रूस यूक्रेन युद्ध में मौजूदा दौर में रूस ताकतवर स्थिति में है, लेकिन कुछ देश और संगठन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध में अपना हित साधने में लगे हैं। 22 मार्च को रूस के क्रोकस सिटी हॉल में हुआ हमला इस बात को पुख्ता करता है कि कुछ अन्य देश और संगठनों के निशाने पर रूस है। रूस के हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ले ली, लेकिन रूस ने हमले में यूक्रेन का हाथ होने की बात भी कही। इस हमले के बाद से ही रूसी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और इसके चलते उन्होंने आतंकियों के एक बड़े प्लान को फेल कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी रूस में एक और विस्फोट या हमला करने के लिए विस्फोटक सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे थे और इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने दावा किया कि रूस और लातविया सीमा के बीच उबिलिंका क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान एक वाहन में घातक सामग्री मिली। एजेंसी के मुताबिक घातक माल यूक्रेन से आया था और इसे रूस ले जाया जा रहा था। FSB के मुताबिक जांच के दौरान चर्च से जुड़े सामान के एक शिपमेंट के अंदर 4 घरेलू बम, 10 किलोग्राम हाई इंडस्ट्रियल प्लास्टिक एक्सप्लोसिव या हेक्सोजन, 91 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक RPG-7 वॉरहेड के हिस्से पाए गए हैं। एजेंसी के अनुसार सीमा पर पहुंचने से पहले माल यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया सहित कई यूरोपीय संघ के देशों से होकर गुजरा था। हालांकि तय अड्डे पर पहुंचने से पहले ही माल पकड़ा गया। पस्को क्षेत्र में आंतरिक मंत्रालय के फोरेंसिक केंद्र के प्रमुख दिमित्री बेलोटेस्कोस्की ने कहा कि हेक्सोजन एक शक्तिशाली प्लास्टिक विस्फोट है। उन्होंने कहा कि हेक्सोजन को RDX भी कहा जाता है, जो TNT से 1.5 गुना अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि जब किए गए विस्फोटकों की मात्रा इतनी थी कि इससे 5 मंजिला आवासीय ब्लॉक को उड़ाया जा सकता था। बेलोटेस्कोस्की ने कहा कि शिपमेंट में औद्योगिक रूप से निर्मित फ्यूज भी शामिल थे, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स द्वारा किसी चीज को नष्ट या तबाह करने के लिए किया जाता है। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसने FSB को बताया कि उसे रूस की राजधानी तक जाना था और वहीं मॉस्को शहर के माल की अनलोडिंग होनी थी। FSB प्रमुख अलेक्जेंडर बोटनिको ने सुझाव दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन को अपराध से जोड़ा जा सकता है और संभव है कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तीनों ने रूस के दावे को खारिज कर दिया और अमेरिका और ब्रुसेल्स ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन का नरसंहार से कोई लेना देना नहीं है।